लगातार दिखा रहे हैं कि ये लिस्ट सामने आ चुकी है, लगातार ये ऑफिशियली लिस्ट है जैसे ऐसे जानकारी मिल रही थी। हालांकि फर्स्ट इंडिया लगातार जानकारी दे रहा था कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, किसके मंत्रालय को रिपीट किया गया है, लेकिन अब ये वो लिस्ट है जो कि सामने है। ये लिस्ट बेहद अहम और ये वो नाम किसे कौन सी, कई जगह दो मंत्रालय दिए गए हैं, किसी को दोहरी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा और प्रमुख मंत्रालय भी ये है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो सामने आ चुकी है सभी नामों के साथ। बेहद अहम है, जहां राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की भी जिम्मेदारी उनके पास है। शिवराज सिंह चौहान जो कि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उन्हें एक कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। निर्मला सीतारमण, जैसा कि पहले कहा जा रहा था, वित्त मंत्रालय, लगातार वित्त मंत्रालय वो संभाल रही है और एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी उनके पास। सुब्रमण्यम जयशंकर जिन्हें विदेश मंत्रालय के तौर पर एक बार फिर से वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। मनोहर लाल खट्टर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही मिनिस्टर ऑफ पावर ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास। एस डी कुमार स्वामी जिन्हें मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर ऑफ स्टील की जिम्मेदारी उनके पास है। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे धर्मेंद्र प्रधान। जीतन राम मांझी जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें राजीव सिंह की, ललन सिंह की मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज उन्हें दिया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की भी जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी। वो ये वो सूची है जो आप लगातार फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हो। ये ऑफिशियली वो सूची है जिसका इंतजार था। हालांकि लगातार जैसे जैसे यहां पर पोर्टफोलियो तय किए जा रहे थे, विभाग के बंटवारे हो रहे थे, आपके सामने फर्स्ट इंडिया हर एक वो नाम लेकर आ रहा था और ये पूरी सूची सामने आ चुकी है। ये पूरी सूची सामने आ चुकी है पूरे मंत्रालय की, यहां पर किसे कौन सा विभाग दिया गया है, जिसमें से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल जिन्हें पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री संभालेंगे वो। वीरेंद्र कुमार जिन्हें मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लगातार ये वो नाम है जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये वो सूची है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के प्रहलाद जोशी जिन्हें मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी वो देखेंगे, वो इस महकमे को संभालेंगे। ज्वेल उराम ट्राइबल अफेयर्स की जिम्मेदारी उनके पास है, एक बेहद अहम चेहरा। कल जब वो शपथ ले रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि ये अगर संभव है कि किसी आदिवासी को भी बड़ा मौका, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है तो वो सिर्फ मोदी सरकार में, और मोदी 3.0, मोदी कैबिनेट 3.0 की ये पूरी तस्वीर है जो विस्तृत तस्वीर सामने आ चुकी है। अश्विनी वैष्णव बेहद अहम नाम, बेहद अहम जिम्मेदारी उन्होंने न सिर्फ अपने विभाग की निभाई बल्कि चुनाव के दौरान भी किस तरह से उन्होंने कई जिम्मेदारियों को संभाला, और ऐसे में मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी उनके पास है, और साथ ही मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव ही संभालेंगे। बेहद अहम नाम और बेहद मजबूत स्तंभ मोदी कैबिनेट 3.0 के। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी है, ये मंत्रालय उनके पास है। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उनके पास रहेगा। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्रालय को संभालेंगे, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एलिमेंट चेंज, ये उनका उनके पास ये विभाग है। बेहद अहम भूपेंद्र यादव क्योंकि राजस्थान से जो चार अहम नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए उसमें बेहद अहम नाम है भूपेंद्र यादव का। गजेंद्र सिंह शेखावत, इस बार उनके पोर्टफोलियो को बदला गया क्योंकि पिछली जिम्मेदारी भी बखूबी गजेंद्र सिंह शेखावत ने निभाई, लेकिन इस बार मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म उनके पास है, पर्यटन की जिम्मेदारी उनके पास। अनुपमा देवी जिन्हें मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी रहेगी, ये नया पोर्टफोलियो उनके पास। किरण रिजिजू निभाएंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये दोनों ही वो संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी पिछली बार भी जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसे रिपीट किया गया, मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हरदीप सिंह पुरी। अगला नाम मनसुख मंडाविया, बेहद अहम नाम है, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी पिछली बार निभाई, लेकिन इस बार मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी उनके पास है। जी किशन रेड्डी जिन्हें मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान युवा और नया चेहरा जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, उन्हें खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। खेल मंत्रालय
चिराग पासवान को दिया गया मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सीआर पाटिल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, जो 30 जो नाम आपको हमने बताए। चिराग पासवान खेल मंत्रालय को और ये देखिए लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां हम सूची को लेकर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं भागीरथ चौधरी, उन्हें जिम्मेदारी मिलने के साथ ही, पोर्टफोलियो डिसाइड होने के साथ ही, देखिए बधाई देने का तांता भी लगा हुआ है। लोग, उनके समर्थक, उनके जानने वाले, कार्यकर्ता, पारिवारिक सदस्य सभी पहुंच रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए, क्योंकि मोदी कैबिनेट